हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए टीटन की ब्रांडिंग के साथ आने वाला स्मार्ट पावर बैंक है, जिसका बेसिकली अनबॉक्सिंग में रख करने वाला हूँ। एटीट्यूड, प्राइजिंग और फीचर्स वगैरह बताऊँगा, रहे बताऊँगा क्या इस प्राइस में इस पावर बैंक को आपको परचेजिंग में रख करना चाहिए कि नहीं। चलो फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले कि काफ़ी कम प्राइस में परचेज किया और काफ़ी पावरफुल पावर बैंक और स्मार्ट तो है ये, तो मज़ा आने वाला काफ़ी। तो फटाफट अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल की अनबॉक्सिंग वीडियो आती रहती है उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख पाए। अब दोस्तों इसी में बॉक्स पैकिंग में बात करूँ तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे टीटन की ब्रांडिंग वगैरह की गई, यहाँ पे इमेजेस पावर बैंक का दिया गया, इधर आपको लोगों पर दिया गया, ऊपर के साइड टीटन की बेसिकली ब्रांडिंग वगैरह की गई है। और एटीट्यूड यहाँ पे आपको इंटरफेस पर दे गए, तो दो ईयर की वारंटी वगैरह मेंशन किया गया, और काफ़ी स्लिक पावर बैंक पर होने वाला। तो इंटरेस्टिंग पावर बैंक के बैक साइड में भी 20,400 mAh की ब्रांडिंग की गई है और मॉडल नंबर की ब्रांडिंग की गई है। तो मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, मॉडल नंबर जो बेसिकली P2020400 ब्रांडिंग है, तो इसी की बेसिकली मॉडल नंबर भी है और पावर बैंक की कैपेसिटी भी इतनी है। और बैक साइड में मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग की गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है, जो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउडली फील होता है। तो चलिए फिर फटाफट देर न करते हो, बॉक्स पैकिंग काफ़ी अच्छी है, बॉक्स पैकिंग ओपन करते हैं, फिर देखते हैं बॉक्स पैकिंग में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिलती है या नहीं। देखिए सील ओपन कर चुका हूँ, ओपन करते हो फटाफट हो जा, जैसे देख सकते हैं दोस्तों लिड को मैं निकाल चुका हूँ, साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे ओपन करते हुए सबसे पहले यहाँ रखा है, मिल जाता है पेटीएम की तरफ से, बेसिकली नहीं है ये ब्रांड की तरफ से, जिसमें आपको रेटिंग वगैरह देना होगा, तो आपको मैं बताऊँगा कि रेटिंग देनी है नहीं, जिसमें आपको 50 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। अरे दोस्तों ये सिर्फ A2 टाइप सी डेटा केबल है, जिसकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, 1 मीटर की लेंथ मिल जाती है, जो यूज वगैरह कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी का केबल ब्रांड ने बेसिकली प्रोवाइड कराया है, तो साइड में रखते हैं। ये है दोस्तों हमारा मेन स्लिक पावर बैंक, जो काफ़ी इंप्रेसिव देखने में लग रहा है, जहाँ पे इसके नीचे रखा हुआ मिल जाता है। टीटन की तरफ से आने वाला यूजर मैनुअल है, जिसमें आपको ब्रांडिंग भी रखी गई है, जिसमें और भी बहुत सारे कलर के पावर बैंक मिलते हैं, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों ये हमारे स्मार्ट पावर बैंक, जिसके सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो कलर तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, पर्सनली देख पा रहे हैं, जहाँ आपको पिंक कलर का पूरा बेसिकली पावर बैंक है। यहाँ पे आपको ऊपर सिल्वर कलर का थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह दिया गया, डिजाइन वगैरह बनाया गया, तो देखने में कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये कलर आपको पसंद नहीं है तो और भी कलर अवेलेबल है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक वगैरह कर पाएंगे। जिसमें बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी है, तो जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिनिशिंग की बात तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी गई, जहाँ पे आपको लाइनिंग वगैरह टेक्सचर दिया गया, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर आपको साइड में आपको 20,400 mAh की ब्रांडिंग की है, और इधर की बात करूँ तो इधर आपको टीटन वगैरह की ब्रांडिंग की है, साइड की इसकी बात करूँ बेजल्स वगैरह की, तो बेसिकली काफ़ी स्लिम पावर बैंक है। नॉर्मली बात करूँ तो A2Z काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, मजबूत नहीं है लेकिन फिनिशिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में पावर बैंक, जिसमें आपको साइड में देख पा रहे हैं टाइप सी पोर्ट दिया गया है बेसिकली, जिससे इसको चार्ज वगैरह कर पाएंगे। और ऊपर की बात करूँ तो 2 USB पोर्ट दिया गया, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 12 वॉट का सपोर्ट वगैरह करता है, और बीच में आपको यहाँ पे टॉर्च वगैरह दिया गया, लाइट दिया गया, जिसको बताने वालों का ऐसे यूज वगैरह करता है, तो इससे आपको इस बेसिकली टॉर्च एज ए टॉर्च यूज कर सकते हैं, जिसमें पावर यहाँ बटन दिया गया, पावर बटन, जिससे कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। इसको प्रेस करके रखेंगे तो देख सकते हैं लाइट जल रहा है, तो देख पाएंगे कितनी बैटरी है या नहीं आपके पावर बैंक में। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो बेसिकली ये टॉर्च है, जिसको आप जला पाएंगे, तो लॉन्ग प्रेस पे देख पा रहेंगे जल पा रहा है बेसिकली, तो इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो टॉर्च वगैरह जलता है, तो एज ए पावर बैंक तो है ही और एज ए टॉर्च वगैरह यूज कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। जिसमें आपको इसकी सबसे पहले बात करूँ जैसे पे इसकी दोस्तों परफॉर्मेंस वगैरह की, तो जैसे बताया 20,400 mAh की पावर बैंक है, उसके हिसाब से बात करूँ 12 वॉट के फास्ट चार्जिंग वगैरह सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा पावर बैंक है, काफ़ी यूज वगैरह अच्छे से कर सकते हैं आप, काफ़ी स्मार्ट वगैरह। टीटन की ब्रांडिंग के साथ आता है, तो बेसिकली है मेड इन इंडिया, लेकिन आपको कोई सेलर है बेसिकली ब्रांड नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट है, आपको इंडिया में सेल किया जा रहा है, तो 2 ईयर की वारंटी वगैरह मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। प्राइजिंग की बात करूँ तो प्राइजिंग लगभग 600 रुपये के आसपास, मैंने 600 रुपये में परचेज किया लगभग,
तो 2400 mAh की पावर बैंक बताया गया। अगर 2400 mAh नहीं लग रहा है बेसिकली 17-18 हज़ार के हिसाब से पावर बैंक होगा, 17-18 हज़ार mAh होगा उसके हिसाब से बात करूँ तो 17-18 हज़ार का mAh दो पावर बैंक बेसिकली आपको 500-600 में नहीं मिलता, बिल्कुल भी ब्रांड का नहीं मिलता देखने को, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये इस प्राइस में आपको 2 ईयर की वारंटी भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 ईयर की वारंटी बहुत कम मिलता है किसी भी ब्रांड, कोई ब्रांड देता नहीं है तो आपको मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है 2 ईयर तक तो चेंज वगैरह करा सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो हम जॉन पर लिस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, परचेज वगैरह कर पाएंगे। और मैंने बहुत सारे पावर बैंक के अनबॉक्सिंग किए, उन सबका लिंक दे दूंगा, देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसको परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो इसका 100% 200% आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, आसानी से परचेज वगैरह कर पाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने कर रखा तो वीडियो दोस्तों से शेयर कीजिए, उन सबको बोले वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सबको बोले सब्सक्राइब करते हो। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।